Hello my dear student, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I will teach you noun. Student, आज का जो हमारा क्लास है वो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं नाउन के बारे में कि आपका नाउन होता क्या है. तो चैप्टर का नाम है आपका द नाउन. तो हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि नाउन आपका होता क्या है. तो नाउन की डेफिनेशन बताइए कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन. स्टूडेंट्स, जो भी हमने जो आपका जो टेंथ या ट्वेल्थ लेवल तक होता है वहाँ तक हम जो आपकी डेफिनेशन पढ़ते हैं केवल हम वो पर्सन प्लेस और थिंग तक पढ़ते हैं. बट नाउन में आपकी क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन भी आपका आता है. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पर्सन जैसे मैंने बताया सुरेन मथुरा पेन ऑनेस्टी गुडनेस. स्टूडेंट, सुरेन यहाँ पर क्या आपका पर्सन है, मथुरा क्या आपका प्लेस है, पेन क्या है आपका थिंग है. तो हम जो बेसिक जो आज तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है बस इतना ही पढ़ा है कि जो भी नाउन होता है क्या होता है वो किसी पर्सन या प्लेस या किसी थिंग को क्या करता है, डेनोट करता है, तो उसी को हम नाउन कहते हैं. बट स्टूडेंट, उसमें आपकी कोई क्वालिटी भी आती है. क्वालिटी क्या आपकी, ऑनेस्टी भी आपकी नाउन होती है. और कंडीशन क्या आपकी, गुडनेस अच्छाई भी क्या है आपकी नाउन है. और एक्शन क्या आपका, मूवमेंट भी क्या आपका फिर नाउन होगा यहाँ पर. तो स्टूडेंट बात करते हैं हम कि नाउन के पार्ट क्या होते हैं. दो होते हैं आपके, एक काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल को आप गणनी कर सकते हो यानी कि उसको आप काउंट कर सकते हो. और सेकंड होता है आपका अनकाउंटेबल यानी कि अगणनीय जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो. स्टूडेंट, जो आपकी जो काउंटेबल जो नाउन होती है उसके आपके थ्री पार्ट्स होते हैं यानी कि प्रॉपर नाउन में आता है आपका व्यक्तिवाची संज्ञा होती है. और सेकंड होता है आपका कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा. थर्ड होता है इसमें कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाच्य संज्ञा. स्टूडेंट, अनकाउंटेबल में आपके आते हैं दो नाउन यानी कि मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाच्य संज्ञा. और सेकंड आता है इसका इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा. तो काउंटेबल नाउन क्या होती है, स्टूडेंट डेफिनेशन बताया कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड यानी कि ऐसी संज्ञा जिसको आप गिन सकते हो. जैसे कि गर्ल, बॉयज, राम, क्लास, ये क्या है स्टूडेंट्स, आप इनको आप काउंट कर सकते हो कि लड़का है तो कितना है, राम ग्लास है तो कितने, इनको आप काउंट कर सकते हो. जिसमें आपकी डेफिनेशन दी है कि प्रॉपर नाउन आपका क्या होता है. प्रॉपर नाउन होता है द नाउन विच डेनोट्स प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग. यानी कि ऐसी नाउन जो किसी भी डेनोट्स क्या करती है, इंकित करती है किसी प्रॉपर किसी भी आपके व्यक्ति को यानी व्यक्तिवाचक किसी स्थान को या वस्तु को. तो इसमें आपके एग्जांपल दिए गए हैं कि प्रॉपर आपके पर्सन जैसे नाम हो सकता है सुरेन, अन्नू, राम. और आपके आपके प्रॉपर प्लेस हो सकते हैं दिल्ली, मुंबई. प्रॉपर थिंग हो सकती है आपकी रामायण है, गीता है, बाइबल है. इनसे क्या होता है, ये किसी भी व्यक्तिवाचक होती हैं आपकी संज्ञा. सेकंड है आपका कॉमन नाउन. कॉमन क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है आपका जातिवाचक यानी कि द नाउन विच डेनोट कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग. यानी कि वो ऐसी संज्ञा जो हमें क्या बताती है, कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग. यानी कि किसी भी जैसे कि हमें पूरी एक जैसे यहाँ बताया गया कि कॉमन पर्सन यानी कि मोहन है, वोमेन है, मैन वूमेन. कॉमन प्लेस है आपका टाउन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है. कॉमन थिंग आपकी बुक है, टेबल है. स्टूडेंट ये कॉमन क्या होता है कि यानी किसी भी एक जाति का बोध कराते हैं. जैसे कि अगर मान लें हम मैन की बात करें तो सब मैन आ जाते हैं, इसमें वोमेन है तो हम वोमेन की बात करते हैं. जैसे कि जितने भी स्कूल हैं तो वो सब स्कूल में आएंगे. जितने भी हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट तो वो आपके हॉस्पिटल में आते हैं. कोई भी बुक सही तो वो बुक में आएगी, तो क्या है कॉमन हो गई यानी किसी जाति का हमें बोध कराती है, तो वो आपकी कॉमन नाउन होती है. बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कलेक्टिव नाउन यानी कि द नाउन विच डेनोट ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स. यानी कि ऐसी नाउन जिससे हमें पता चलता है किसी भी समूह के बारे में. जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे बताया गया ए टीम ऑफ प्लेयर्स यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी टीम. इससे स्टूडेंट हमें क्या पता है, ए टीम. टीम किससे बनती है, जिसमें खिलाड़ी होते हैं जितने भी आपकी जैसे गेम होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी टीम बनती है. जैसे 11 या 9 जितने प्लेयर होते हैं उसके अकॉर्डिंग. तो ये एक क्या है, एक ग्रुप के बारे में बात कर रहा है. और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जैसे कि ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स.
स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी आपका जो ये आपका जो वर्ड होता है लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी बुक होती हैं आपकी, ऑल सब्जेक्ट से रिलेटिव होती हैं। तो लाइब्रेरी क्या आपका कलेक्टिव नाउन है, इससे हमें कलेक्ट यानी एक समूह के बारे में पता चला है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन आपका होता क्या है, द नाउन विच कांट बी काउंटेड, यानी कि ऐसी नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे गोल्ड, गोल्ड का आप काउंट नहीं कर सकते। ऑयल है, ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते हो। वाटर है, तो वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी नाउन हो गई स्टूडेंट्स, ये हो गया आपकी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल में आपको दो बताए थे कि मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक, द नाउन विच डिनोट्स ए मटेरियल, यानी कि ऐसी नाउन जिससे, ऐसी संज्ञा जिससे हमें पता चलता है किसी भी धातु या द्रव्य के बारे में, यानी ठोस द्रव्य, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, घी है। नेक्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी कंडीशन और एक्शन, यानी कि कोई भी क्वालिटी या स्थिति या किसी भी कार्य के बारे में बताया, जैसे विजडम, आज़ादी है। आज़ादी तो कैसी आज़ादी, ये क्या है, भाव आता है अंदर से कि भाई हम आज़ाद हैं। ह्यूमिनिटी है किसी के बारे में, प्राइड है, ब्रेवरी, अगर आप मान मतलब युद्ध आपको बहुत ज़्यादा बहादुर हो तो आप क्या हो, अगर आप पॉवर्टी हो कैसे हो, तो स्टूडेंट ये क्या होता है, भाववाचक होती है नाउन आपकी। तो स्टूडेंट ये तो थी आपकी नाउन के बारे में कि नाउन होता क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या होती है, मटेरियल अनकाउंटेबल अकाउंटेबल नाउन क्या होती है। अब बात आती है आपकी कि मैंने यहाँ पर कुछ सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन आपके मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को आप फुल वॉच किया करें, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्टूडेंट इससे पहले मैं आपका सिंटेक्स आर्टिकल आपका फुल करा चुका हूँ, और मैंने आपकी जो वोकैब की सीरीज चल रही है वोकैब बाय रूट थ्रू, वो मैं उसमें आप वीडियो डाल चुका हूँ, उन वीडियो को आप देख सकते हो वहाँ से, और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दे दूँगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन बताऊँगा जिनको आप बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ बताया एक क्वार्ड ऑफ पीपल, यानी कि क्राउड क्या होता है स्टूडेंट, भीड़ होता है, यानी कि एक लोगों की भीड़, ये क्या है आपका कलेक्टिव, यानी किसी समूह के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ बताया गया ए हर्ड ऑफ कैटल, यानी कि पशुओं का झुंड। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों का समूह। नेक्स्ट ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, यानी क्लस्टर क्या होता है, झुंड यानी तारों का झुंड। ए ग्रुप ऑफ रोवर्स, डांकों का समूह। ए नीस्ट ऑफ आंट्स, चीटियों का झुंड। नेक्स्ट ए सोन ऑफ आंट्स, चीटियों का समूह। ए ड्रॉप ऑफ कैटल, यानी पशुओं का समुदाय। ए क्लंप ऑफ ट्री, वृक्षों का समूह। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। ए बंडल ऑफ क्लॉथ, कपड़ों की गांठ। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। ए ग्रुप ऑफ डांसर, यानी नृतकों का मंडली। ए जूरी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का समूह, यानी कि जो जूरी क्या होते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि न्याय देने के लिए बाध्य होते हैं, तो उनको आप जूरी बोल सकते हो, द जूरी ऑफ जज, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनका एक समूह होता है जिसको आप जूरी बोलते हो। ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का समूह। ए क्वेवर ऑफ आरो, यानी तीरों का समूह। ए शूट ऑफ रूम्स, कमरों का सेट। ए पाइल ऑफ बुक, पुस्तकों का गठन। ए पाइल ऑफ लाफ्टर, यानी कि जो हंसमुख जो व्यक्ति होते हैं उनका समूह। ए चेन ऑफ माउंटेंस, पर्वतों की श्रेणी। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञों की मंडली। ए कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का क्रम। ए वैली ऑफ एरो, यानी कि वर्षा के बाणों की वर्षा। ए वैली ऑफ मिसाइल्स, यानी शस्त्रों की वर्षा। ए हीप ऑफ रविश, कूड़े का ढेर। ए ब्रीव ऑफ पिजन्स, यानी कबूतरों का झुंड। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। ए सीफ ऑफ ग्रेन्स, अनाज का गट्ठर। ए हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। ए बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार, तारों का झुंड। ए फ्लीट ऑफ शिप, जहाजों का झुंड। एन आर्मी ऑफ आर्म्स, चीटियों का झुंड।
झुंड, ए क्वेरी ऑफ पैराडाइज यानी तीतरों का झुंड, ए सोल ऑफ फिश मछलियों का झुंड, ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स, ए चॉय ऑफ सिंगर्स, ए हर्ड ऑफ स्वाइन सुअरों का झुंड, ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ वस्त्रों का संग्रह, ए टफ ऑफ ग्रास घास का गुच्छा, ए बैंड ऑफ नॉब्स घुमक्कड़ों का जत्था यानी कि जो ट्रैवलिंग पर्सन्स होते हैं उनका जो झुंड होता है उसको बोलते हैं आप ए बैंड ऑफ नॉम्स, ए लॉक ऑफ हेयर यानी बालों की जो लट होती है उनको बोलते हैं लॉक ऑफ हेयर, ए सूट ऑफ आर्मर रक्षा कवच का सेट, ए सूट ऑफ फर्नीचर यानी कि फर्नीचर का सेट, ए स्टॉक ऑफ कोयला यानी कोयले का संग्रह, ए स्ट्रैंग ऑफ ऑनियंस यानी प्याज की पंक्तियाँ, ए वेवी ऑफ लेडीज, ए फ्लाइट ऑफ स्टार्स सीढ़ियों का क्रम, ए वैली ऑफ स्टोन्स पत्थरों की वर्षा, ए हीप ऑफ डस्ट यानी धूल कण का ढेर, ए हीप ऑफ स्टोन्स पत्थरों का ढेर, ए रे ऑफ लाइट प्रकाश किरण का पुंज, ए पेयर ऑफ सॉक्स, ए ग्रेन्स ऑफ राइस, ए पिंच ऑफ स्नैफ, ए ब्लेड ऑफ ग्रास, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए वार्डरोब ऑफ क्लॉथ यानी वस्त्रों का समूह, वार्डरोब क्या होता है स्टूडेंट जहाँ पर हम वस्त्रों को यानी कपड़ों को रखते हैं जिसको हम आप अलमारी बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यानी उड़ते हुए पक्षियों का समूह, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स यानी श्रोताओं की मंडली, ए फ्लाइट ऑफ लोकेटर्स यानी उड़ती जो टिड्डियाँ होती हैं उनको बोलते हैं लॉक्टर्स यानी उनका एक झुंड, ए कोर्स ऑफ लेक्चर, ए कोर्स ऑफ लेक्चर्स यानी भाषण या व्याख्यान करते हैं उनका क्रम, ए गस्ट ऑफ वाइंड हवा का एक तेज झोंका, ए पिंच ऑफ साल्ट चुटकी भर नमक, ए बैंड ऑफ ट्रेवल्स यात्रियों का झुंड, ए पाइल ऑफ बेल्स घड़ी की जोरदार आवाज़ का एक समूह है उसको पील ऑफ बेल्स, ए फ्लॉक ऑफ शीप या गॉट बकरियों या भेड़ों का झुंड, ए डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स छात्रों का शिक्षा मंडल, एन एसोसिएशन ऑफ लेबोरियस यानी मजदूरों का संघ, ए लिटर ऑफ पप्पीज यानी कुत्ते के बच्चों का झुंड, ए पॉकेट ऑफ सीक्रेट सॉरी ए पैकेट ऑफ सीक्रेट सिगरेट का डिब्बा, ए स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स हवाई जहाजों का बेड़ा, ए क्रू ऑफ सोल्जर या बोटमैन नाविकों का समूह, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर सैन्य दलों का समूह, ए ट्राइब्स ऑफ नेटिव स्वदेशियों का समूह, ए पीक ऑफ वॉल्फ हंस यानी शिकारी कुत्तों का झुंड। तो स्टूडेंट ये तो थे आपके यहाँ तक कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाम के बाद मैंने यहाँ कुछ और बनाए हैं आपके लिए सम इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाम यानी कुछ जातिवाचक संज्ञा होती है यानी कॉमन नाम से आपको अगर भाववाचक अगर आपको संज्ञा बनानी हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ बताया गया आपका ये कॉमन नाम दिया गया है जातिवाचक से आपको भाववाचक कैसे बनाना है, जैसे यहाँ दिया गया एक्ट एक्ट का बनेगा आपका एक्शन, बेबी का बेबी होल्ड, वॉन्ट का वॉन्ट वॉन्ड इज, चाइल्ड का चाइल्डहुड, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, किंग का किंगशिप, मैन का मैनहुड, पेट्रॉइड का पेट्रोइज्म, रोवर का रॉबरी, स्लैब का स्लेबरी, वूमेन का वूमेनहुड, यंग का बनता यूथ, सीक्रेट का सेक्री, रॉयल का रॉयल्टी, रिग्ड का रिगेडिटी, रेगुलर का रेगुलटी, प्राउड का प्राइड, एजेंट का एजेंसी, वैगर का वैगरी, वॉय का वॉयहुड और ये आपका डिक्टोटर का डिक्टोरशिप, हीरो का हीरोज़्म, मदर का मदरहुड, ऑनर का ऑनरशिप, प्रिस्ट का प्रिस्टहुड, स्पीक का स्पीच बनता है आपका स्टूडेंट्स, थीप का थीप बनता है, विंडो का विंडोहुड, इन्फेंट का इन्फेंसी और स्कार्सी का स्कार्टी, रिच का रिचनेस,
प्रोफिशिएंट का प्रोफिशिएंसी, प्रोडेंट का प्रोडियंस और प्राइवेट का प्राइवेसी, क्रिएट का क्रिएशन, कैरी का कैरीज, अटेंड का अटेंडेंस, एक्ट का एक्सिस और प्रैक्टिस का प्रैक्टिस होता है, माउंटेन का माउंटेन्स और लाफ का आपका लाफ्टर। तो स्टूडेंट ये आपका कॉमन नाउन और सामने इसका भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिहेव का बिहेवियर बनता है आपका, कंज्यूम का कंजुम्पशन, चूज का आपका चॉइस होता है, एडमिट का एडमिशन होता है, अलाउ का अलाउंस होता है, अराइव का अराइवल होता है, बिलोंग का बिलोंगिंग होता है, पोलाइट का पोलाइटनेस, ब्यूटीफुल का ब्यूटी, मॉडेस्ट का मॉडेस्टी, एनेक्सिस का एनेक्सटी, डीप का डेप्थ, वाइज का विजडम, वीक का वीकनेस, क्रूअल का क्रुएली, लेजी का लेजीनेस, हम्बल का इम्यूनिटी, इनोसेंट का इनोसेंस, इग्नोरेंट का इग्नोरेंस, हाई का हाइट, कॉवर्ड का कॉवर्डाइज और करेजियस का करेज, डर्टी का डर्ट, कॉन्फिडेंट का कॉन्फिडेंस, एब्सेंट का एब्सेंस और एक्यूरेट का एक्यूरेसी, डेथ का डेथ और पैराटाइल का पैराटाइलिटी और इंश्योर का इंश्योरेंस और आपका ग्रो का ग्रोथ। स्टूडेंट इस चीज़ को आप लेकर के घबराएं नहीं कि मतलब जिस तरीके से हमने ये इनका क्या कराने का फ़ायदा है कि इन्होंने एडजेक्ट दिया, कॉमन नाउन से इन्होंने इतना मतलब चेंज करना बताया है इनका क्या था, ये तो केवल मीनिंग है और आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये आपकी थिंकिंग के ऊपर रिलेटिव करता है कि आप कहाँ तक सोच पाते हो। अगर आपको लगता है कि अगर आप इनको चेंज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये खुशी की बात है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये जो आपकी जो वर्ड मीनिंग है अगर आप इनको वोकैब की तरह अगर आप इनको याद करोगे तो आपकी वोकैब भी स्ट्रांग हो सकती है और आपके अगर इनको आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपका नाउन तो नाउन है, इसके साथ आप इसका वोकैब का भी फ़ायदा ले सकते हो, ये आपकी सोच निर्भर करती है। अगर आपको कोई भी मीनिंग नहीं आती है तो कई सारे ऐप हैं और आप उन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ से आप इनकी मीनिंग को सर्च कर सकते हो, जिससे आप नाउन तो आपका कम्प्लीटली सही तरह से हो जाएगा, उसके साथ आपका जो वोकैब का जो पोर्शन होता है वो भी आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की तरफ, हॉट का अगर आपको भाववाचक संज्ञा बनाना तो उसको आप हीट बनाओगे, इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंस, लॉन्ग का लेंथ, नेशनल का नेशनलिटी, फेथफुल का फेथफुलनेस, एफिशिएंट का एफिशिएंसी, कैपेबल का कैपेबिलिटी और केयरफुल का केयरफुलनेस, ब्रीव का ब्रेविटी, एबल का एबिलिटी, परफॉर्म का परफॉर्मेंस और ऑब्लाइज का ऑब्लिगेशन, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्शन और नैरेट का नैरेशन, मैरी का मैरिज होता है स्टूडेंट्स, लूज का आपका लॉस होता है, नो का आपका नॉलेज हो जाता है, इमेजिन का इमेजिनेशन होता है आपका, इंटर का इंट्रेंस होता है और डिस्टर्ब का आपका डिस्टर्बेंस होता है, डिपार्ट का आपका डिपार्चर होता है और डिफेंड का आपका डिफेंस होता है, डिसीप का डिसिक्ट होता है, पुअर का पॉवर्टी होता है, ऑबिडियंट का ऑबिडियंस होता है, काइंड का काइंडनेस होता है, सेल्फिश का आपका सेल्फिशनेस होता है, ओबे का आपका ऑबिडियंस होता है, मिक्स का आपका मिक्सचर होता है। नेक्स्ट आपका पेशेंस का आपका पेशेंस हो जाता है, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी होता है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गनेस होता है, ब्रेव का ब्रेवरी, ट्रू का ट्रूथ, फॉलिस का आपको फुलिसनेस, वैन का वैनिटी, फॉल्स का फॉल्सहुड, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंसी, वाइड का विड्थ, रूड का आपका रूडनेस, डेंजर्स का आपका डेंजर होता है, ड्यूटीफुल का ड्यूटी होता है, करेक्टराइज का आपका करेक्टर होता है, एविडेंट होता है एविडेंस, ब्रूटल होता है ब्रूटली यानी भंगुर, डिफरेंट का डिफरेंस होता है, गुड का गुडनेस होता है, हेल्दी का आपका हेल्थ होता है, जस्ट का जस्टिक होता है स्टूडेंट्स, नेसेसरी का नेसेसिटी होता है, हार्ड का हार्डली। यानी कि अगर आप ये आपके कॉमन नाउन और कॉमन नाउन से अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एक्टिव का अगर आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, एक्टिविटी बना सकते हो, पे इसका प्रेजर होता है, पे का पेमेंट होता है,
ऑफ एन का। स्टूडेंट आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। ये था आपके नाउन के बारे में बेसिक नॉलेज कि नाउन होता क्या है। नाउन के आज हमने सीखा नाउन के बारे में सीखा, नाउन के कितने पार्ट होते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, और नाउन के बारे में हमने सीखा कलेक्टिव नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इतने नाउन उनके बारे में हमने सीख लिया है। और स्टूडेंट इससे आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा वो नाउन से रिलेटेड होंगे, आपकी 3-4 वीडियो जिसमें हम नाउन को पूरी तरह से कम्प्लीटली हम करेंगे। और इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको जैसे मैं बताया था वीडियो के बिगनिंग में कि मैं ऑलरेडी 3 वीडियो उसकी वीडियो डाल चुका हूँ, आपकी 3 वीडियो आर्टिकल की हैं और सिंटैक्स की मैं आपको ऑलरेडी आपकी वीडियो डाल चुका हूँ। तो प्लीज़ आप उनको विजिट कर लें, उनको वॉच करें, फुल वॉच, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रॉब्लम को मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉर्ट आउट किया जाएगा। हम से जुड़े रहिए और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप और रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.